अभी जो है बिल्कुल अभी भी तहज्जुद की नमाज पढ़ी है, पूरा फाइनली रेडी हो चुका है। ये तो मैं रात कहीं और दिन कहीं और, तू तो यही है ना, तू तो नहीं जा रहा कहीं। अभी जो है बिल्कुल अभी अभी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी है, बस निकलते के साथ ही फजर की नमाज़ पढ़ेंगे। दोस्त एक जा रहा है बाहर, तो उसके घर पे हम लोग बैठे हुए थे, यहाँ से निकल के जाएंगे घर पे और उसके बाद जाके सोएंगे, उसके बाद सुबह उठ करेंगे ब्लॉग करने। पानी को भी लिया, पढ़ के ही चलते हैं बस। हाँ बस पढ़ के ही चलेंगे, आ जाओ भाई कल सारी रात बाहर रहने के बाद अभी 2 बजे मेरी आँख खुली है। अम्मा क्या कर रहा है? व्लॉग बना रहा था। रात कहीं और दिन कहीं और, बेकार की यार। यूएस जा रहा था। यूएस जा रहा, तू तो यही है ना, तू तो नहीं जा रहा कहीं। क्यों निकला घर से? शर्म तो तुझे है नहीं, अभी 2 बज रहे हैं, दोपहर के खाने का कुछ पता नहीं है। खैर एनीवेज गाइस, रात भर था दोस्तों के साथ अपने बाहर। मैं था रात में दोस्तों के साथ, मेरा दोस्त जा रहा है यूएस, तो मैं उसके घर पे था, उसके घर ही फजर पड़ी, तहज्जुद पढ़ के आ गया था वापस घर पे। अभी सीन ये है कि मैं थोड़ी देर पहले सो के उठा हूँ, अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 2 बज चुके हैं, सो चलते हैं बाहर। मैंने सुना है कि बाहर बड़ा प्यारा मौसम लगा यार, देख के आते हैं बाहर क्या मौसम है। फिलहाल सुबह मेरे डांट पड़ गई, लेकिन खैर अल्लाह पाक मेरी माँ खुद से तंदुरुस्ती से मतलब नहीं मरते। चलते हैं बाहर, जाएगी ना तब तो मैं इसे छोड़ दूंगी। है इसका गला घुट रहा है, छोड़ो इसे। ये वाला जो रूम है पूरा फाइनली रेडी हो चुका है, ये तो मैं आपको दिखाना भूल ही गया था। इसका कलर सलर भी सारा हो गया, इसमें फर्नीचर वर्नीचर भी सारा ला के डाल दिया, तो पूरी तरीके से इस रूम को कर दिया ये रेडी। ये ड्रेसिंग टेबल भी आ गई है, सोफा वोफा सारी चीज़ें ला के तो रख दी, मतलब पूरी तरीके से रूम तैयार हो गया। किस तरीके से इसकी छत गिरी थी यार, आपको अच्छे से याद होगा कि इस कमरे की छत कैसे गिरी थी, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। खैर अभी जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रूम पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, बिल्कुल सारी चीज़ें फर्नीचर वर्नीचर सारा बिल्कुल आराम से मैंने सेट कर दिया, क्योंकि मैंने कहा था मैं कलर सलर करवा के छत वत इसकी रेडी करवा दूँगा, उसके बाद फिर अम्मी करेंगी रेडी, तो अम्मी ने कर दिया रूम रेडी, सारा रूम हो चुका है बिल्कुल रेडी। चेक करो गाइस, अरे वाह भाई वाह, मतलब सिंपल है। अब ये क्या हुआ, चीज़ें तोड़ दिया, ये तो होना था, मुझे मालूम ही था। जोहर की नमाज का जो है वो टाइम भी हो चुका है, खैर पहले देखते हैं मौसम बाहर का मौसम कैसा हो रहा है। ये क्या सीन है, सीन है मतलब मेरी गाड़ी पे से कपड़ा किसने उतार के फेंका नीचे? नॉर्मली जैसे मैंने सुना था वैसे ही, इतना कोई खास तो नहीं है। कपड़ा उतर गया सुबह सुबह और तुम देख रहे हो, मतलब मैं घर से बाहर निकलूंगा फिर तू देखेगा कपड़ा चढ़ा जल्दी कपड़ा। दोनों भाई मिलके चढ़ाते हैं जल्दी, क्या हवा हवा चल रही है क्या यार? ये तमाशे से ना मेरी बहुत हटती है, इस तमाशे से कसम से। घुस 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 अंदर घुस, शर्म आती है, शर्म आती है तुम लोगों को? बस गाड़ी का कपड़ा छड़ाना है ना, तो आप कपड़ों की यार ऐसी कर लो कि बाहर कपड़े मैंने डाल दिए ऊपर। अपनी लेमन की नहीं एवेंटेड और मैं निकला हूँ बाहर थोड़ा सामान लेने के लिए। मौसम बड़ा प्यारा लगा यार, घर के पास तो ऐसे ही हो रहा था, बाहर अच्छा मौसम हो रहा था। मेरे घर के पास ये अंकल खड़े होते हैं, इनकी सब्जी, मैं तब तो दोपहर का खाना यहीं से ही निकालता हूँ समझो। मतलब यार इनकी सब्जी, इनके दाल चावल, इनकी दाल, इनका अचार, सो 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 गुड। और मेरे तो जितने भी सब्सक्राइबर हैं सबको पता है कि आई प्रेफर देसी, क्योंकि मुझे देसी बहुत पसंद है। दोपहर में आप इतना ज़्यादा हैवी खा भी नहीं सकते, तो यू है मस्ट हैव टू ट्राई, जो जमशेद रोड पर रहता है वो इनकी सब्जी ज़रूर ट्राई करें, सो गुड, बहुत ज़बरदस्त। ये मैंने यहाँ पर फिर मैंने लगाई थी अपने लिए थोड़ी देर, मैं सुन रहा था कुनंता। अभी जो है टाइम हो चुका है रात के 10:20, मैंने अपने कपड़े निकाल दिए, इस्त्री जब तक गर्म हो रही है, ग्लास यहाँ पड़ा हुआ है। गला ख़राब होने की वजह से मैं तो थोड़ी देर लेट गया था, टू बी ऑनेस्ट मेरे गले में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, आई डोंट नो क्यों। अभी जो है टाइम रात के 10:30 बज चुके हैं और मैं हो चुका हूँ बिल्कुल रेडी। मैंने शलवार कमीज पहना है आज स्काई कलर का, क्योंकि रबीउल अव्वल जैसा आपको पता है आ चुका है, तो जगह जगह जश्न मिलादुन्नबी मनाई जा रही, जगह जगह लोग मिलाद कर रहे हैं, तो मेरे मामू के घर पर भी मिलाद है, तो उन्होंने मुझे बुलाया था मिलाद में, मैं वैसे भी सो गया था, अभी भी सो के उठाऊँ, जल्दी से चलते हैं मिलाद। सब्सक्राइबर्स मुझसे मिलने आए, अलाओ हाथ तो मिलाओ, जरवा नाम है ना उसका, जरवा जरवा जरवा, इधर देखो ये एक छोटी सब्सक्राइबर है, ये भी सब्सक्राइबर है, ये दोनों भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, ये लोग मुझसे मिलने के लिए। तुम्हारा नाम जरवा किसने रखा है? मेरे व्लॉग्स देखती हो तुम? देखती हो मेरे व्लॉग? देखती हो, कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं, लाइक करती हो? बहुत बहुत शुक्रिया यार। और माशाल्लाह माशाल्लाह रबी लेवल की लाइट्स चेक करें हम, कैसी लगाई हैं लोगों ने यार, ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत आला। इसको मैंने यहाँ पार कर दिया है यार, प्यारी लग रही है, पूरी गली सजी हुई है। तो सोशल मीडिया जो चल रहा है एक कैंसर का दाना जो जिसमें फैला है पूरे जिसमें, बिल्कुल, और हमारा
इमरान के पास बैठ के ए अल्लाह इस महफिल की बरकत से मुझे पांचों नमाजें मस्जिद में अदा करने वाला बना दे। आज मैं इरादा करता हूँ कि आज के बाद फजर की नमाज बाजमाज अदा करूंगा, आज के बाद फजर की नमाज बाजमाज अदा करूंगा। ए अल्लाह मेरी इस नियत पे मुझे कामयाबी अदा करूंगा। आमीन सुम्मा आमीन। पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह। घर में एक पत्ती जला दे, नहीं जला सकता वो, कोई नहीं जला सकता। जिसको रब पसंद करेगा उसी से, क्योंकि आका है तो जहां से अल्लाह इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है। मोहब्बत करना जुर्म नहीं अगर की जाए उसूल से। खुदा ने भी मोहब्बत की अपने प्यारे रसूल से, इतनी मोहब्बत करता है। कैसे हो? आई नहीं रहा मुझे बुला के, खुद बैठ गया तू। हमारे खानदान के बुजुर्ग बच्चे चले गए, तमाम मरहूमिन की मकबर छोड़वा दी, नस्लों को पाक कर दे। अल्लाह हमारी नस्लों को पाक कर दे, अपने महबूब की बुराई में कबूल करवा दे। यार रब्बुल इज्जत या अल्लाह ये महिला तमस बना दे, तकवे वाला बना दे, हयादार बना दे। हमारी आंखों में नूर अता फरमा, हमें सुन्नत रसूल पर चलने की तौफीक अता फरमा। वाला सुन्नत रसूल पर की हिफाजत फरमा। इनमें इनके घर वालों में जो बीमार है, तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा। या अल्लाह जितने खड़े इनमें इनके घर वालों में जो परेशान, आज के बाद कभी नमाज में झुकने से तौफीक अता फरमा। न्याज खाने से 40 दिन तक शैतान करीब नहीं आता। हाँ भाई कैसे हो, मजे में? व्लॉग व्लॉग देख रहे हो नहीं देख रहे हो? फाइनली बैक होम और इस बच्चे को देखे आप। बुलबुल से हेलो, कैसे हैं आप लोग? मतलब बस सारा दिन मोबाइल दे दो इन्हें और ये ऐसे लेटे रहेंगे, पड़े रहेंगे यहीं पर। धूल पे, धूल पे लगा दूंगा। रात ख़त्म होने के बाद मैं भी आ चुका हूँ घर पे, मुए मुबारक की ज़्यारत की, वहाँ पे लंगर खाया न्याज की, बहुत 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 मज़ा आया। अभी तो आगे भी मेरे ख्याल और मिलाद वगैरह होंगे तो हम जाएंगे। तो रबी अव्वल का महीना यार, भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो जो मेरा व्लॉग देख रहे हैं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए रबी अव्वल में आप नमाज की पाबंदी तो अल्हम्दुलिल्लाह सबकी होनी चाहिए, बिल्कुल नमाज़ पढ़नी चाहिए यार। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ो। तो रबी अव्वल का मैंने एक अपना एक शेड्यूल बनाया है कि हर नमाज के बाद ना 100 दफ़ा दुरूद शरीफ तो पढ़ के भेजना है आका को। हर नमाज के बाद 100 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़नी है और आका को भेजनी है। तो इसी के साथ 12 रबी अव्वल भी आने वाली है। दुरूद शरीफ वैसे ही बहुत ठंडा होता है तो सबको वैसे ही पढ़ना चाहिए, लेकिन मोस्टली मैंने देखा कि लोग एक दफ़ा पढ़ते हैं। अभी रबी अव्वल चल रहा है, 100 दफ़ा पढ़ के भेजेंगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप सारे लोगों को मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा यार। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल नए व्लॉग के साथ। इस व्लॉग को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाना मत भूलना। नीचे देखो रेड कलर का बटन आ रहा है, दबा दो यार। ये तो इंसाफ की बात नहीं है, इंसाफ किया करो, लाइक भी किया करो, सब्सक्राइब भी किया करो। 1000 मरतबा बोले कोई मिल भी जाता है उसको भी बोलता हूँ भाई लाइक तो करो, व्लॉग देख रहे हो लाइक नहीं कर रहे, सब्सक्राइब किया हुआ तो ये तो ज्यादती वाली बात है। मिलते हैं इंशाल्लाह कल नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।